जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। उद्दम आरेश्वर तंत्र, उद्दमेश्वर तंत्र, अघोर तंत्र से जो देखते हैं उनको पता है कि ये एक तांत्रिक किताब है जो कि कश्मीरी तंत्र का है। मतलब कश्मीरी तंत्र वालों ने इनको सहेज के रखा। इसके अलावा सारे तंत्रों में इसका कहीं ना कहीं वर्णन है। पिछले 2 साल से यक्षिणी साधनाओं के बारे में मैं आप लोगों को बताता रहा। ये साधना मुझे साधक ने दिया था जो कि हैदराबाद से था, और उसका इस तंत्र पे बहुत अच्छा प्रयोग था, बहुत अच्छा उपयोग करता था, ये बहुत सिद्ध था इसका। लेकिन मैं उद्दमारेश्वर तंत्र का प्रयोग जितना अल्प कर सकूं उतना करता हूं, और मैं बहुत छानकर जानकारी आप लोगों को देता हूं, क्योंकि उद्दमारेश्वर तंत्र में एक से एक कपालिक क्रियाएं हैं। और मैं आप लोगों को वो क्रियाएं बताता हूं जो कि आप करें तो आपको घाटा ना हो, पहला, और दूसरा वो क्रियाएं जिससे आपको ज्ञान हो कि ये आपको नहीं करना है। जिस व्यक्ति ने मुझे इस तंत्र की जानकारी दी थी, जिस व्यक्ति ने मुझे एक पुराना किताब दिया था जिसमें इसके विषय में वर्णन है, इस पूरे किताब में एक बीज मंत्र की कमी है। जब तक वो बीज नहीं लगता है तब तक ये मंत्र, इसके मंत्र पूर्ण रूप से काम नहीं करते हैं। मतलब काम करेंगे लेकिन पूर्ण रूपेण काम नहीं करेंगे। तो वो व्यक्ति इसी मार्ग पे चलते हुए वो शक्तियों से इतना घिर गया, वो इतना परेशान था कि उसने अंतोगत्वा फांसी लगा ली। तो इतना खतरनाक हो जाता है तंत्र मार्ग अगर आप एक्सपेरिमेंट करते रहे करते रहे करते रहे, कहीं ना कहीं जाके रुकना होता है, शक्तियों के लालच को छोड़ना पड़ता है। आज जो विधान मैं उससे निकाल के बता रहा हूं, ये पूरे तंत्र में सबसे आसान विधान है वशीकरण काजल बनाने का। इसमें आपको सिर्फ एक रात्रि बैठना है महादेव के शिवलिंग के सामने, और आप वशीकरण काजल बना के निकलेंगे। उद्दमारेश्वर तंत्र में भगवान उद्दम और ईश्वर का वर्णन है। इसमें गौरी और महादेव जब बात करते हैं तो महादेव भैरव स्वरूप में बात करते हैं। तो भैरव तंत्र ऐसे भी बहुत ज्यादा ही तीव्र होता है, ये आप लोगों को पता है। तो इस साधना को करने के लिए क्या करना होता है? इस साधना को करने के लिए आपको 2 बार 108 जाप करना होगा मंत्र सिद्धि मंत्र का, ठीक है? सबसे पहले आप 2 मिट्टी का बर्तन लेंगे, ठीक है, और 1 दीपक लेंगे। दीपक में आप घी भरेंगे या चमेली का तेल भरेंगे, दोनों भर सकते हैं। जब आप तेल भरते हैं तो उसमें कार्बन ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग चमेली के तेल को प्रिफर करते हैं, ठीक है। जो 1 मिट्टी का बर्तन हो उसमें छेद होना चाहिए ऊपर की तरफ, ठीक। अब आप सबसे पहले दीपक जला लें, ठीक है, उसके ऊपर वो छेद वाला बर्तन रखें और उसके ऊपर फिर दूसरा ढक्कन ढक दें ताकि जो भी कार्बन हो वो इन दोनों बर्तनों में समाहित हो जाए, ठीक है। जो कृष्ण पक्ष होता है, मतलब जब अमावस्या आने वाला जब पक्ष होता है, उसकी अष्टमी को, जिस दिन हम लोग भैरव अष्टमी भी हर महीने मनाते हैं, उस दिन किसी शिवालय में जाइए। ऐसा शिवालय जहां पूजा ना होता हो वो सबसे उत्तम होता है तंत्र क्रिया करने के लिए। बहुत लोगों ने बहुत सारे शिवालय को बैठा के बहुत सारे मंदिर को बना करके उसका छोड़ देते हैं। ऐसे मंदिरों का पूजा करने से तांत्रिक सिद्धियां जल्दी मिलती हैं। तो ऐसे किसी मंदिर में बेलपत्र, फूल, जल, दूध लेकर के जाइए, धूप दीप लेके जाइए, पहले महादेव की पूजा कीजिए, ठीक है।
महादेव की पूजा करके जो जल है उसको अपने दाहिने हाथ में रखिए और मंत्र पढ़िए 108 बार। और जब ये मंत्र पढ़ना आप शुरू करेंगे जल पर, उसी समय ये जो दीपक है इसको आपको जला लेना है, ठीक है। पहले जल को हम लोग अभिमंत्रित करेंगे। मंत्र है ओम नमो भगवते उद्यमारेश्वराय अंजन मंत्र सिद्धिम देहि मे स्वाहा। क्या मंत्र है? ओम नमो भगवते उद्यमारेश्वराय अंजन मंत्र सिद्धिम देहि देहि मे स्वाहा। देहि एक ही बार लगेगा। तो ये जो मंत्र है इसमें क्या है? ओम नमो भगवते मतलब भगवान उद्यमेश्वर को नमस्कार करते हुए अंजन मंत्र सिद्धि देहि में स्वाहा, मतलब अंजन। अंजन का बहुत सारा मतलब होता है। अंजन का मतलब आंख होता है, अंजन का मतलब हनुमान होता है, अंजन का मतलब नेत्र होता है, लोचन होता है, अंजन का मतलब अनजाना आयाम होता है, ठीक है। यहां पर जब हम अंजन का प्रयोग कर रहे हैं तो अंजन मंत्र सिद्धिम देहि देहि में स्वाहा मतलब काजल को सिद्ध करने का मंत्र मुझे दो, ठीक है। इसको आपने कर लिया 108 बार। ओम नमो भगवते उद्यमरेश्वराय अंजन मंत्र सिद्धिम देहि में स्वाहा। उसके बाद उस जल को शिवलिंग को अर्पित कर दो, ठीक है। फिर आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। जब आप दक्षिण मुड़ेंगे, आप किधर से भी जब दक्षिण देख रहे हैं तो दीपक आपके सामने होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद दीपक के लौ को देखते हुए 108 बार आप जप करेंगे। ओम नमो भगवते उद्यमरेश्वराय अंजन मंत्र सिद्धिम देहि में स्वाहा। इतना कर लिया तो वो जो अंजन बन रहा है, जो काजल बन रहा है, वो सिद्ध हो जाएगा। 108 जाप तक में जितना काजल बने उतना ही काजल आपको वहां से उठा लेना है, ठीक है। उसके बाद रोज जब आप घर से निकलिए, कहीं भी जाइए, ठीक है, तो आंखों में इस काजल को हल्का सा लगा लेना चाहिए। और हर बार जितनी बार आप लगाएंगे उतने बार आप मंत्र बोलेंगे, ओम नमो भगवते उद्यमेश्वराय अंजन मंत्र सिद्धिम देहि में स्वाहा। इसको लगाने से फायदा क्या होगा? इसको लगाने से ये फायदा होगा कि जो भी आपको देखेगा दिन भर में वो आकर्षित रहेगा, मतलब जो विरोधी हैं आपके वो आपका विरोध नहीं करेंगे। जो आपको देखेगा उनको लगेगा कि आपसे बैठ के 10 मिनट बातें करे, आपसे व्यापार करे, है ना। ऐसे अगर लोग आपको देख करके मुंह बनाते हो या आपको लगता है कि आपका प्रभाव कम होता जा रहा है, तो वैसे सारे लोगों के लिए ये मंत्र बहुत ही उचित है, बहुत आसान है। क्या करना है? बस कृष्ण पक्ष यानी अमावस्या जब आने वाली होती है उसके अष्टमी को, जिस दिन भैरव अष्टमी भी हम लोग मानते हैं हर महीने के, उस दिन किसी शिवालय में चले जाइए। ऐसा शिवालय अगर हो जिसकी पूजा ना होती हो तो अति उत्तम है। उसका पहले पंचोपकार पूजा कीजिए, धूप दीप नवेद दे के बेलपत्र चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, उसके बाद एक जल लीजिए, अपने दाहिने हाथ से उसको ढकिए। उसके बाद जो मंत्र है ओम नमो भगवते उद्यमेश्वराय अंजन मंत्र सिद्धि देहि में स्वाहा, ऐसा बोल के 108 बार उसको अभिमंत्रित कीजिए। फिर वो जल देवता को चढ़ाइए और फिर दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए सामने वो दीपक होना चाहिए जिसमें आप अंजन बना रहे हैं, और फिर से 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र जाप करने से वो जो भी अंजन है वो सिद्ध हो जाएगा और उसके बाद आप उसका रोज प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इससे आसान पूरे तंत्र में मैंने सैकड़ों किताब पढ़ा है, ठीक है। इससे आसान वशीकरण काजल का विधान कहीं नहीं है। उल्लूक तंत्र में एक विधान है, तो उल्लूक तंत्र में उस विधान को करने से पहले 108 बार आपको एक मंत्र का जाप करना पड़ता है। जब आप उसको सॉरी 1,08 बार एक मंत्र का जाप करना पड़ता है। उसके बाद फिर 7 दिन का और 21 दिन का विधान है काजल को सिद्ध करने के लिए। तो काजल को सिद्ध कीजिए और आप लोग वशीकरण का लाभ उठाइए। आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे नंबर 9431188585 से जुड़िए। इसमें साधना का जो शुरुआती मंत्र विधान है वो हम बताते हैं। जिनको डायरेक्ट बात करना है कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से, उसमें रुद्रनाथ HCM को सर्च करिएगा तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा, उसमें आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने का विधान www.agortantrahasya.com पर आपको मिल जाएगा।
वशीकरण का सच्चा और अच्छा उपयोग कीजिए जीवन में। महादेव आपका भला करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अरख आदेश।